हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्वति चौबे इन इंग्लैंड में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आज संडे इवनिंग है, मैं जा रही हूँ मार्केट और मैं अपना फुल लुक दे चुकी हूँ। और ये मैं एक इंडियन सलवार सूट पहनी हूँ जो मैं इंडिया से ही खरीद के लाई थी, मेरी बहन मुझे गिफ्ट की थी। और ये मेरा ये मल्टी कलर का एक ईयर रिंग, शायद मेरा लिपस्टिक भी मैच कर रहा हो मेरे ड्रेस के साथ, मैं उसी तरह से पहनी हूँ। और ये मेरा पर्स, ये भी पर्पल है और ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ और फिर आज संडे इवनिंग है, संडे इवनिंग हो ही चुका ऑलमोस्ट, नहीं इवनिंग नहीं है, अभी आफ्टरनून ही है। तो फिर मिलते हैं। मैं जा तो रही थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, लेकिन बीच में मुझे याद आया कि आपको एक चीज़ मैं दिखाऊँ अपने व्यूअर्स को। यहाँ पे क्या है कि एटीएम आपने इंडिया में बहुत यूज़ किया होगा, तो यूके का एटीएम कैसा होता है? तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये एचएसबीसी यूके लिखा हुआ है, ये एचएसबीसी बैंक है और बैंक के साथ अटैच होता है यहाँ का जो एटीएम होता है वो विदड्रॉल कैश विदड्रॉल मशीन, और ये बिल्कुल ओपन होता है इस तरह से। और इसका इसे कैश विड्रॉल करने का जो प्रोसीडियर होता है वो बिल्कुल सिमिलर सेम होता है, ऐसा कुछ अलग तो होता नहीं है। आप अपना कार्ड डालो और फिर डिस्प्ले में बिल्कुल आ जाता है आपको क्या करना है रिटर्न में, और आपको उसी तरह से अपना जो पिन कोड है उसे एंटर करना पड़ता है। फिर ऑप्शन आ जाता है आपको कैश करना होता है, और फिर आप सेलेक्ट करो आपको कितना अमाउंट विड्रॉल करना है वो, और उसके बाद फिर वेट फॉर अ मोमेंट एंड देन आप अपना कार्ड और अपना कैश दोनों रिसीव कर लो। अपना कैश कलेक्ट करो और खुश हो जाओ, बस इतना सा ही प्रोसीडियर है और कुछ कुछ अलग सा है नहीं। लेकिन ये एटीएम अलग था तो, और बस क्लियर कर दो। और अब मैं आ गई हूँ एक सुपरमार्केट में। ये सामने मैं पहले जिसमें हमेशा दिखाती हूँ वो ब्रॉडवे है, और ये एक दूसरा सुपरमार्केट है। ये मेरे घर से शायद 8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, 8 to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस में होगा। तो ये यहाँ मैं आई थी, एक्चुअली मुझे घर का कुछ सामान लेना था, मैं ली हूँ, और क्या ली हूँ वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ आई थी प्राइमार्क, प्राइमार्क में, और प्राइमार्क अच्छा एक शॉपिंग मॉल है, आप यहाँ से अगर लेना चाहते हैं तो इस यहाँ से ले सकते हैं सामान। अगर आप यूके में रहते हैं तो प्राइमार्क बहुत अच्छा, इसमें आपको वैरायटी मिल जाएगा, काफ़ी सारे सामान मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाता है। और इसके साथ ही मेरा इसी मार्केट में एक अच्छा लगता है मुझे न्यू लुक और माउंटलैंड, यहाँ से मैं कुछ कुछ सामान लेती हूँ। तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है ना यूके का, आप ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये भी 5 बजे बंद हो जाएगी। आप मतलब ये नहीं कि संडे मंडे, ऐसा कुछ नहीं है, साल के 365 दिन ये 5 बजे ही बंद होते हैं। तो यूके में यही एक प्रॉब्लम है, जो हम इंडिया से जब आप आ रहे हैं या जो भी यहाँ आने वाले हैं, ये इस चीज़ को बिल्कुल माइंड सेट ऐसा बना के रखिए कि आपको 5 बजे तक सारी चीज़ें, जो भी आपके घर का सामान का अगर बहुत अर्जेंटली कुछ चाहिए तो 5 बजे तक आप ले लो। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि हमारा ये होता है ना इंडिया में कि 5 बजे के बाद ही हम सोचते हैं चलो ये नहीं है तो लेना है, सब्जी नहीं है लेना है, तो यहाँ 5 बजे सब कुछ बंद, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक कल्चर शॉक है हम लोगों के लिए। तो मुझे एक टेंशन था कि जल्दी जल्दी लो और फिर चलो, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी ज़्यादा ज़रूरी था, वीकली ग्रॉसरी लेना था मुझे। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। किसी दिन मैं आपको ये पूरे मार्केट जो है ये काफ़ी बड़ा है, इस मार्केट का वीडियो बना के एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी। अगर आपको देखना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपको देखना है तो। एक्चुअली अनिल मेरे लिए, मैं तो जा रही थी ग्रॉसरी लेने, लेकिन अनिल मेरे लिए एक अलग ही सरप्राइज़ प्लान करके रखा था जो अभी तक मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रिलैक्सिंग चेयर है, वो ये पे करना पड़ता है 1 पाउंड।
इसके बाद हम आ गए हाँ आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने के लिए। अब अनिल पहले ही घर से सर्च करके आया था 2-3 दिनों से कि ये वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था, और इसका रीज़न ये नहीं है कि अचानक से सरप्राइज़ देना चाहता था, इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत दिनों से अनिल को बोल रही थी कि तुम मुझे कुछ नहीं देते हो, मुझे आज तक कोई बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं दिया तुमने। तो अनिल फिर इतना सुनने के बाद उसे लगा कि कुछ अच्छा गिफ्ट दे दूँ, तो इसलिए उसने बोला। लेकिन यहाँ हमारा आर्गुमेंट चल रहा था कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे ही मजाक में बोलती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और वो बोल रहा था नहीं नहीं सुन तुम ले ही लो, तुम बहुत ताने देती हो, तुम ले ही लो। तो ये हम दोनों का आर्गुमेंट चल रहा था। अच्छा ये जो फ़ोन है ये फोल्ड हो जाता है, ये जेड फोल्ड जो आप फोन देख रहे हो, तो इसका एड तो टीवी में आता होगा, शायद इंडिया में भी आ गया होगा ये शॉप्स में। तो मुझे जो दिखा मैं सोची कि वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँ आपको दिखाऊं। ये जिस शॉप में मैं आई हूँ इसका नाम है करी, इसका एक अलग सा वीडियो मैं बना के रखी हूँ, अलग ब्लॉग, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ। और ये टाइटेनियम आईफोन 15 प्रो है, ये यूके में 2 हफ्ते पहले ही आ गया है, लेकिन ये हैंड टू हैंड नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको लाइन लगाना पड़ रहा है। अब वो अपना कुछ लैपटॉप देखा, और मुझे तो अलग ही टेंशन था कि ग्रॉसरी मेरा होगा नहीं कि होगा, क्योंकि शॉप बंद हो जाना है। तो मैं अनिल को बोल रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो, ये चीज़ लेडीज़ को होता है ना कि ये प्रॉब्लम, ये टेंशन तो सिर्फ लेडीज़ को ही होता है। फिर आपको मैं बताती हूँ घर जाके कि मैंने लिया या नहीं लिया। तो फ्रेंड्स मैं आ गई मार्केट से, और कुछ कुछ राशन का सामान लेना था, और मुझे और भी कुछ कुछ काम थे, तो सारा कुछ हो गया। और मैं क्या क्या ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक मैं ये कुशन ली, ये मुझे ये अच्छा लगा तो मैं सोची कि ये कुशन एक तो मैं ये ली। और मैं पिलो ना हमारा दो था, क्योंकि आरुष छोटा था तो पिलो यूज़ नहीं करता था, छोटा पिलो यूज़ करता था, अभी वो बड़ा हो गया है तो एक पिलो चाहिए था उसे, तो ये एक उसका पिलो ली और ये एक पिलो कवर ली। देखिए पिलो कवर थोड़ा सा, तो मैं कोई भी नई चीज़ होती है ना तो उसे वॉश करके ही मैं यूज़ करती हूँ। ये वेलवेट का है और बहुत अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट है, तो मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करने से पहले उसे वॉश कर लेती हूँ अच्छे से डिटॉल से। और बच्चे का है तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए उसके बाद वो कल से यूज़ करेगा। और राशन ली, राशन में मैं क्या ली वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें मैं ली, मॉर्निंग में कुछ कुछ ली थी, और अभी जाके मुझे बाकी के सामान लेना था तो उसी में से मैं बाकी सामान ली। आके मैं चाय पी, और घर बिल्कुल दिख रहा है आपको, बिल्कुल घर एकदम इधर उधर हुआ है, क्योंकि सुबह से मैं बाहर ही बाहर हूँ, मतलब घर में आई काम की, फिर बाहर गई, और फिर बहुत सारा काम बाहर था तो वो सारे काम निपटा के फिर मैं आई, क्योंकि कल से फिर वॉकिंग डे स्टार्ट हो जाएगा, अनिल का भी ऑफिस होगा, आरुष का स्कूल होगा, तो फिर नहीं टाइम मिलता है 5 बजे के बाद। और यहाँ पर क्या है ना, यूके का सिस्टम है कि 5 बजे के बाद सारे सुपरमार्केट बंद हो जाते हैं, फिर आपको कुछ नहीं, और ऑफिस टाइम भी 5 बजे ख़त्म होता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस टाइम आप अगर प्लान करते हैं कि वीक डेज में आप कुछ लेंगे तो थोड़ा, तो हम वीकेंड में ही ले लेते हैं। तो मैं क्या क्या ली वो ग्रॉसरी में वो मैं आपको दिखा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं ली, ये न्यूट्रेला थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, तो यहाँ सोया चंक, ये मैं 2 पैकेट ली हूँ, एक और ये 2। और ये दाल जो होता है इसमें मैं ये चिक पीस ली हूँ, काबली चना, हाँ मसूर का दाल ये मैं ली हूँ, यहाँ रेड लेंटिस बोलते हैं, ये सब मैं टेस्को से ही ली हूँ। और ये राजमा ली हूँ, ये मैं ली हूँ चना दाल, और ये है गोटा मसूर का दाल, काली वाली दाल होती है ना वो, ये। और ड्राई फ्रूट्स में मुझे लेना था ये पिस्ताचो ली मैं,
ये सॉल्टेड है, सॉल्टेड पिस्टेचो है वो ली मैं, ये थोड़ा सा बचा हुआ था, ख़त्म हो जाता है एक्चुअली, हम वीकली लेते हैं सामान तो हर वीक में ये ख़त्म ही हो जाता है, वीकली नहीं तो 10 दिन में तो ख़त्म हो ही जाता है। और ये मैं काजू ली, किसमिस मैं सुबह में ही ले ली थी जो मैं आपको दिखाई थी, और ये और उसको ये ना रेडीमेड केक है, मतलब आप केक बनाना है तो बस इसे मिल्क के साथ मतलब बस इसे डाल दो फेट के इसका पेस्ट बना के, तो ये बस हो जाता है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होता, तो मैं यही लेती हूँ। और ये तो मैं सुबह में ले आई थी ये, और ये है चीनी, तो ये मैं सेंसबेरी से ली, ये सब मैं टेस्को से ली, और ये आरुष का दो पिज़्ज़ा ली, ये दो पिज़्ज़ा आरुष के लिए ली, और ये मैं जो रैप्स लेती हूँ, ये रैप्स कभी कभी टिफिन में देना अच्छा होता है वो ली, और थोड़े से प्लांट्स लाई बस। और मैं फ़ोन नहीं ली क्योंकि मैं जो फ़ोन यूज़ कर रही हूँ इस फ़ोन को एक ही साल होने वाला है, एक साल ही होने वाला है, तो मैं इसलिए बोली कि नहीं मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, तो मैं फ़ोन नहीं ली, आगे देखती हूँ मेरा मूड बदला या फिर मूड चेंज हो गया तो मैं ले लूँगी। बस इतना ही, और आके मैं आरुष के लिए ये पिज़्ज़ा बना दी और वो पिज़्ज़ा खाया फिर उसके बाद। बस इसके साथ मैं अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय।